नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लिव विद योर हॉबी। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको जो मैंने ब्लाउज सिलना सिखाया है उसकी कटिंग, ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग ये सब मैंने आपको उसमें सिखाई है। साड़ी अपनी मैंने कैसे प्रिपेयर की है वो आपको सिखाया है, उसी का ये ब्लाउज है। तो आज मैं उसी ब्लाउज में आपको हुक लगाना और आई लगाना बताऊँगी। तो कैसे लगाते हैं देखिए, ये है वो ब्लाउज जो मैंने प्रिपेयर किया है। आपको याद आ रही होगी मेरी ग्रीन साड़ी जिस पर मैंने आपको फॉल और पीको लगानी सिखाई थी। तो ये उसका ब्लाउज देखिए मैंने तैयार कर लिया है। स्टिचिंग आपको मैंने सिखाई है प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कटिंग ड्राफ्टिंग भी मैंने इसकी आपको सिखाई है। तो इसमें ही मैं आपको ये आई लगाना और हुक लगाना इसमें बताऊंगी। लेकिन देखिए ये बहुत ही डिफरेंट तरीका है, आई ये हुक और आई लगाने का। देखने में आपको बहुत ही रेगुलर ही लग रहा होगा लेकिन ये रेगुलर नहीं है। देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए और ये देखिए आई आई तो आपको सिंपल ही लग रही होगी लेकिन इसके लगाने का जो, इसके बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगी। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप भी इसे सीखें। तो इस तरह से मेरा ये ब्लाउज पूरा तैयार देखिए हो गया है। और किसी दिन आपको पूरी साड़ी और ब्लाउज मैं एक साथ दिखाऊंगी कि मैंने जो तैयार की है वो बनकर कैसे आया है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो है, तो आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहले मैं आपको आई लगाना सिखाऊंगी, ये मैंने लगा ली है। अब नेक्स्ट जो हम धागा लेके जाएंगे आगे की तरफ अगली आई बनाने के लिए, तो देखिए निशान से थोड़ा पीछे की तरफ ही मैंने धागा निकाला है। और अब जो हम धागा लेंगे वो निशान से ऊपर की तरफ से लेंगे। इस तरह से हमें 4 बार धागा इसमें से निकालना है। जो धागा मैंने लिया है वो 4 लेयर में लिया है। आपको भी इसी तरह 4 लेयर में धागा लेना है। और मैंने अब देखिए 4 बार इसमें से निकाल लिया धागा। और अब हम आई तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने सुई को उल्टा पकड़ा है ताकि उसमें कपड़ा नहीं आता। देखिए नोक हमने अंदर की तरफ रखी है और जो धागा जहाँ से हम डालते हैं उस तरफ से हमें आई बनानी है। तो इस तरह से हम धागा अंदर से लेते हुए धागे को ऊपर से निकालते हुए जैसे काज का टांका लेते हैं उस तरह से हमें आई तैयार करनी है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आई कैसे बनानी है। देखिए आई मैंने तैयार कर दी है। अब आपको मैं हुक लगाना सिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने निशान इसमें ले लिए हैं मेजरमेंट के साथ। और ये जो लाइन आ रही है सिलाई की, इसके नीचे हमें हुक लगाना है इस तरह से। तो धागा देखिए मैंने वहाँ पर निकाल लिया है और हुक लिया, उसके अंदर से धागे को हम निकालेंगे और फिक्स करेंगे। इस तरह से हम इसमें कम से कम
5 से 6 बार हम इसमें से धागा निकालेंगे। ये जो मैंने धागा लिया है ये 2 लेयर में लिया है, ये डबल धागा है, और जो हमने आई के लिए लिया था वो 4 लेयर का धागा था। तो इस तरह से देखिए हमने निकाल लिया। अब हम हुक को जो हमारा डिज़ाइन हुक में आएगा वो हम बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं देखिए, इस तरह से आप लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर हुक दिखाई देगा लगा हुआ। ये देखिए मैंने अंदर से धागा निकाला और जैसे काज करते हैं उस तरह से धागा ऊपर से लेके टांका ले लिया। ये देखिए सुई को ऊपर से हमने धागा ले लिया इस तरह से। इस तरह से हमें दोनों ही तरफ से इसे कवर करना है। इस तरह से आप हुक लगाएंगी तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगता है, तो देखने में अच्छा भी लगता है। अब एक तरफ से हमारा पूरा हो गया, दूसरी साइड भी हम इसी तरह सुई को इसी तरह से निकालते हुए टांका उठाते हुए हमें हुक लगाना है। तो ये देखिए हुक हमारा लगकर तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम अगले हुक के लिए इस तरह से धागे को आगे के निशान पर ले जाते हैं। पीछे धागा जो हम फ्रंट में है वो धागा दिखाई देना नहीं चाहिए, अंदर ही अंदर हमें सुई निकालनी है इस तरह से। और हम यहाँ पर सेकंड हुक जैसे हमने पहला हुक लगाया है सेम उसी तरह से हम दूसरा हुक यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये लगा हुआ है, लग रहा है ना सुंदर। इसी तरह हम सारे हुक अपने लगा लेंगे। तो देखिए मैंने हुक भी लगा लिया और आई भी आपको लगानी बता दी। तो इस तरह से आप हुक और आई लगाएं अपने ब्लाउज में या कुर्ती में, जहाँ भी आपको लगाना हो, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और फटाफट लगने वाला है। तो आप भी लगाएं, आपको कैसी लग रही है ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैंने हुक इसमें कंप्लीट कर ली है। अब ये मेरा ब्लाउज़ फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। इसे कभी मैं आपको साड़ी के साथ पहन कर दिखाऊंगी, क्योंकि साड़ी भी मैंने घर पर ही प्रिपेयर की है, पूरी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं और इसकी कटिंग स्टिचिंग भी ब्लाउज़ की मैंने आपके साथ शेयर की है। तो दिखाऊंगी मैं आपको उसे पहन कर कि कैसा लुक आता है। तो देखिए ये हमारे हुक हो गए हैं रेडी। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगे हुए हैं, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इसी तरह आप भी अब अपने ब्लाउज़ में हुक लगा सकती हैं, और वो भी देखिए इस तरह से। और आई भी देखिए मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये अभी मैंने कच्ची सिलाई उधेड़ी नहीं है, तुरपाई तो मैंने कर दी है इसमें। अब मैं इसे उधेड़ दूँगी और ये हो जाएगा हमारा ब्लाउज़, और ये हो जाएगा हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट।
दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ये हमारी फैमिली जो है ये और ज़्यादा बड़ी हो और हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज तो ये थी मेरी आज की वीडियो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।